हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज धूप निकला हुआ है, देखिए धूप निकला हुआ है दोस्तों। और देखिए मेरा घर आज सुबह सुबह देखिए मेरी वाइफ बांस का करेल छील रही है। और ये सिद्धार्थ है और ये करेल छीलने के लिए चाकू मांग रहा है। देखिए आज हमारे घर में करेल का सब्जी बनेगा, देख सकते हैं। और ये मेरे पीछे चूल्हा है। और देखिए आज धूप निकला हुआ है, देख सकते हैं पूरा धूप ही धूप है। और देखिए आंगन में कीचड़ भरा हुआ है, पानी आ जाने से आंगन में कीचड़ हो जाता है। देखिए और ये हमारा छोटा सा घर है, खपड़ेल घर है, देख सकते हैं। आज धूप खिला हुआ है, आज सुबह सुबह अब धूप निकल गया है। अब जो ज़मीन गीला था वो सूखेगा तो ठीक हो जाएगा। और ये देखिए हमारे घर में बांस करेल का सब्जी बनेगा। और ये मेरी वाइफ, तबीयत ख़राब है, इसी के चलते आज बांस करेल खाने का इच्छा है, इसीलिए आज बांस करेल तोड़ करके लाई है और अपने से बना रही है। और उसके साथ में मेरा बेटा सिद्धार्थ, देखिए आज बांस करेल का सब्जी बनेगा। और आप लोग भी बताएं कि आप लोग इसका टेस्ट किए हैं कि नहीं, देख सकते हैं। और सिद्धार्थ चाकू से करेल को छील रहा है। ये करेल की सब्जी बांस के करेल को पतला पतला छीलना पड़ता है, बहुत बारीकी से। और देखिए हम लोग यहीं पर रहते हैं और देखिए हम लोग आज भी लकड़ी का चूल्हा उपयोग में लाते हैं। हम लोग को लकड़ी से ही खाना बनता है, देख सकते हैं। और हम लोग खाट पे सोते हैं। देखिए सिद्धार्थ गाना गा रहा है। और यहाँ पे देखिए आम का बगवाने लगा हुआ है, देखिए। इधर महुआ का पेड़ बहुत ज़्यादा मिलता है।
और देखिए मैं मधु ले लिया हूँ और मधु लेके अभी मैं जा रहा हूँ घर। और ये देखिए हम लोग मधु लेकर के घर वापस जा रहे हैं। अगर आपको लेना हो तो हमें कमेंट करें। मधुमक्खी पालन होती है, यहीं से हम लोग लेके जा रहे हैं और यहाँ पे आपको 300 रुपया केजी मिलता है। आप लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। देखिए हम लोग वापस जा रहे हैं। देखिए ये हुनरू रोड है, इधर आप देखें तो इधर के लोग बस खेती पर ही निर्भर रहते हैं। देखिए इधर धान का खेती लगा हुआ है। ये रांची से करीबन 45 किलोमीटर दूरी पर है। ये नवागढ़ पंचायत पे आता है। आप इधर का नज़ारा देख सकते हैं। और देखिए ये हुनरू रोड है, इस पर साइड साइड में पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ के रेंजर साहब पेड़ का मुआयना कर रहे हैं, कैसा लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। देखिए पूरा साइड साइड में पेड़ लगा हुआ है। ये हुनरू फॉल जाने के लिए रास्ता है। देखिए सिद्धार्थ मधु लेकर के खड़ा है। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी का पैर टूटा हुआ है और यही पेड़ है जिस पर चढ़े थे और गिरने से बाएं पैर टूट गया था जांग के बीच में। देखिए यही पेड़ है, पाला तोड़ने के लिए चढ़े हुए थे। और आइए हम आपको हम लोग का तालाब दिखाते हैं जो हम लोग इस पर मछली हर साल छोड़ते हैं। देखिए ये हम लोग का तालाब है, देख सकते हैं हर साल इसमें मछली पालन होता है। देखिए और ये टाँड हम लोग का है, इस पर टमाटर वगैरह लगाते रहते हैं। और इधर महुआ का पेड़ बहुत है। ये देखिए आम का पेड़ है जो कि इसमें है टेंशन तार गुजरा है, इसके चलते पेड़ कटा हुआ है और ये सब पेड़ भी कटेगा। देखिए और हम लोग काम करके स्वर्णरेखा नदी नहाने जा रहे हैं। हम लोग के घर से आधा किलोमीटर दूर पे है स्वर्णरेखा नदी। आइए आपको नदी का नज़ारा दिखाते हैं। और इधर के आदमी सब धान की खेती में लगे हुए रहते हैं। ये धान का सीजन है तो इसमें पूरा एरिया में धान लगता है, सब में आप देख सकते हैं। और हम लोग देखिए काम करके नदी नहाने जा रहे हैं। हम लेगा थे हम देखिए तू इनवाइट करी चाचा। देखिए मेरे पीछे मेरा भतीजा है आदित्य मुंडा और हम लोग खेत में काम करके अभी जा रहे हैं नदी नहाने। ये देखिए आदित्य हम चलाते हैं। देखिए पूरा ये जो खेत है ये सब में पूरा धान लगता है। और ये देखिए स्वर्णरेखा नदी आ गया है हम लोग का नहाने के लिए
गंदा हो गया पानी। बहुत ही सुविधा है, इधर का आदमी सब नहाने धोने के लिए सब नदी पर ही निर्भर रहते हैं। देख सकते हैं इधर, आगे से अंगड़ी हटा। ये देखिए नदी, हम लोग का स्वर्ण रेखा नदी। हम लोग यहीं पर नहाने के लिए आते हैं। देखिए बस दो मिनट लगता है हम लोग को नदी पहुंचने में। ये देखिए स्वर्ण रेखा नदी, नदी पहुंच गए हैं। देखिए मेरे पीछे नदी है और ये स्वर्ण रेखा नदी है, देख सकते हैं आप। और यहाँ का पानी बारिश के कारण बहुत गंदा हो गया है। देखिए देखिए दोस्तों, हम लोग खेत में काम करके नदी नहाने के लिए आते हैं। ये स्वर्ण रेखा नदी है और जो नया पुल बना है आपको दिखा रहे हैं। ये स्वर्ण रेखा नदी पे बना नया पुल है जो अभी फिलहाल में बना है। देखिए ये स्वर्ण रेखा नदी है, हम लोग नहा लिए हैं और यही स्वर्ण रेखा नदी में हम लोग नहाते हैं। और इस गांव के जितने भी आदमी हैं वो सब नहाते हैं इसी में। और ये देखिए बच्चा लोग मस्ती कर रहा है, देख सकते हैं ये बच्चा लोग है। और अभी इस नदी का पानी गंदा है, ये बारिश का मौसम ख़त्म होते ही ये पानी साफ हो जाता है बिल्कुल पीने के। नदी में पत्थर इधर बहुत मिलता है। और ये देखिए बच्चा लोग नहा करके जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। देखिए इधर पत्थर और बालू मिलता है और पानी अभी तो गंदा है। चलो चलो चलो, अब हम लोग नहा करके घर वापस जा रहे हैं दोस्तों। देखिए और आप हमें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।